हैं घोटालों की सरकार। अभी बात चली थी, बहुत सरकार के ऊपर बात चली थी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। कवि हो, कवि होने के नाते तालियां तो मैं बजवा लूंगा सत्य प्रकाश जी, अब देखना तालियां किस प्रकार से हाथों के लेते आई। कोई नहीं लहराएगा तो वही पंक्ति सुबह तक दोहराता रहूंगा, तो जबरदस्ती बोधि कातकवाद के साथ हूँ कि घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकार, नीरव मोदी बैंक का पैसा लेकर देखो भागा रे। तालियों के साथ लगातार लग रही आनंद सुनने। घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकारें, नीरव मोदी बैंक का पैसा लेकर देखो भागा रे। चौकीदारी करने वाला गहरी नींद में सोया है, पीछे वाले भी जाग जाना कि चौकीदारी करने वाला गहरी नींद में सोया है, चौकीदारी करने वाला गहरी नींद में सोया है। कोई भी हो कारण लेकिन बीज उसी ने बोया है, कोई भी हो कारण लेकिन बीज उसी ने बोया है। वो तो विदेश में घूम रहा है लेकर लंबी वो कारे, वो विदेशों घूम रहा है लेकर लंबी वो कारे। घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकारें, घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकारें, नीरव मोदी बैंक का पैसा लेकर देखो भागा रे। घोटालों में घोटाले हैं घोटालों की सरकारें। मैंने सब लोग जितने भी बात कर गए थे राजनीति की, वो सबका समापन कर चुका हूँ। आइए मित्रों, आज के इस मंच की गरिमापूर्ण बाबा साहब का ये मंच है और तथागत बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा पर हम लोग यहाँ मंच पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भगवान बुद्ध की अपने बुद्ध पूर्णिमा के लिए आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक मंगल कामनाएं। और चार पंक्तियों के साथ में जो देश का माहौल आज के अंदर बना हुआ है, भाई सत्य प्रकाश जी आप बैठ जाइएगा 2-5 मिनट के लिए। आज जो देश के अंदर समाज के लिए एक माहौल बना हुआ है, चार पंक्ति देता हूँ और देखना चाहता हूँ कि दिल्ली वाले किस तरीके से कविता को सुनना चाहते हैं या किस तरीके से देश के माहौल को बदलना चाहते हैं। कि बहुजन समाज के लोगों आपको एक बात बताता हूं, बहुजन समाज के लोगों आपको एक बात बताता हूं, बचाने को हमें सिर्फ यहां संविधान आएगा। और अगली पंक्ति लगे कि मैंने कोई सच्ची कही हो तो हाथ खोलिएगा कि बहुजन समाज के लोगों एक सच्ची बात आपको बताता हूं कि बचाने को हमें सिर्फ यहां संविधान आएगा। अगर हमारे कानून को किसी ने छेड़ने की कोशिश की, अगर हमारे कानून को किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो सच बताते हैं पूरी दुनिया में भारी तूफान आएगा, पूरी दुनिया में भारी तूफान आएगा। और इन्होंने क्या किया, देश के अंदर हमारे युवा लड़कों को जेल के अंदर डाल दिया। मैं सैल्यूट करता हूं भारत देश के अंदर एकमात्र बुलंदशहर से निकल करके इतने सारे वकील आए और हमारे समाज के 50 सैकड़ों नौजवानों को निकाल करके लाए और उनका स्वागत सम्मान किया। लेकिन ये हमें डराने की कोशिश करते हैं, हमें डरना नहीं है। हवा वेशक विपरीत हो लेकिन डरना नहीं है, हम इस देश के मूल निवासी सच्चे शासक हैं। कि दोगलेपन का तुमने हमें सबूत दिया है, अरे दोगलेपन का तुमने हमें सबूत दिया है। हमारे भीम सैनिकों को बंद ताबूत किया है और जेल में डालकर तुम हमें डराते हो, अरे जेल में डालकर तुम हमें डराते हो। अरे तुमने तो हमारे मूल निवासी भाइयों को और मजबूत किया है, तुमने तो हमारे मूल निवासी भाइयों को, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर जय भीम का नारा गूंजता था लेकिन मित्रों आज पूरी दुनिया के अंदर 2 तारीख के आंदोलन के बाद बाबा साहब की जय का नारा गूंज रहा है। तो तब कहता हूं कि आज धरा ये डोल रही है, अरे आज धरा ये डोल रही है, अंबर भी ये डोल रहा और जय भीम के नारों को तो बच्चा बच्चा बोल रहा। अरे आज धरा ये डोल रही है, अंबर भी ये डोल रहा और जय भीम के नारों को तो बच्चा बच्चा बोल रहा। गली गली में घूमे फिरते मस्त मलंगे चलते हैं, लब्बे केवल जय भीम बोल, हाथ तिरंगे चलते हैं, बुद्ध कबीर नानक के ये मतवालों की टोली है। अरे जय भीम, अरे जय भीम, अरे जय भीम और जय भीम पर जय भीम की बोली है। एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहां पे तन जाओ, अरे एकलव्य से तीर बनो तुम आज यहां पे तन जाओ और देश की रक्षा की खातिर तुम वीर उधम सिंह बन जाओ, अरे देश की रक्षा की खातिर तुम वीर उधम सिंह बन जाओ। लोगों ने पूछा कि मंजीत सिंह अवतार देश के अंदर तुम्हारा क्या योगदान है। 1 तारीख से लगातार कार्यक्रम में चल रहा हूँ, लगातार आवाज बैठी पड़ी थी लेकिन मिलिंद्र भाई बड़े भाई की तरह मोहब्बत करते हैं, दिल्ली वालों के समक्ष आना था और ये आज आने के लिए अगर मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अच्छा इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मित्रों एक बात बताता हूँ कि जब लोग आपसे पूछते हैं आपके देश के अंदर क्या योगदान है, आपने क्या दिया है, तो बताने की कोशिश करना कि जब जब कहीं हमारे
ज्ञान की बात की जाती है तो हम चंबुक ऋषि बन जाते हैं, जब कहीं हमारी प्रतिभा की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं भोंकते हुए कुत्ते के मुंह में तीर मार के शांत करने वाले एकलव्य हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है इस देश के अंदर भक्ति की शक्ति की तो कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास हमारे समाज से पैदा हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर सबसे बढ़िया सुशासन व्यवस्था स्थापित करने की बात की जाती है या इस देश के अंदर अच्छा शासन स्थापित करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं सम्राट अशोक और बहन कुमारी मायावती जैसा सुशासन स्थापित करके दिखा देते हैं। और जब इस देश के अंदर बहुजन राजनीति को शिखर पे पहुंचाने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं माननीय काशीराम साहब आपके समाज से निकल करके आ जाते हैं। मित्रों आधुनिक तौर पे बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर सचिन तेंदुलकर से ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबली आपके समाज से पैदा हो जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है हमारे देश में सबसे बड़ी परीक्षा टॉप करने की तो कहीं ना कहीं आईएएस टॉपर